too hot to handle, right? Please, sir. Paisa hi bas. मतलब शॉर्ट में बोले तो बहुत 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 टाइम बाद हम लोग पांच जन एक साथ मिले हैं। जब हम लोग मिले तो ऐसा लग रहा था कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, कि जो फ्रेंड्स है वो फाइनली जाके एक साथ मिल रहे हैं। आप कंपेयर नहीं कर रहे, बस एग्जांपल दिए। तो चलिए इस खूबसूरत सफर में, और हाँ पूरा देखिएगा, क्योंकि किसी महान व्यक्ति ने कहा था, द एंजॉयमेंट इज मोर इन द जर्नी देन इन द डेस्टिनेशन। दिस इज़ अ प्रीवियस डे, सो आई थिंक कल तक हम लोग सब लोग एक साथ होंगे ये टाइम तक, एंड लेट्स सी, लेट्स होप कि सब सही जाए। सो मेरी अभी जस्ट सात्विक से फ़ोन पे बात हुई, उसके वहाँ पे बहुत जोर की बारिश हो रही है, बहुत तेज़ हवा चल रही है। सो बोल रहा है कि किसकी नज़र लग गई निकलने के पहले ही। तो मैंने बोला कि मेरे यहाँ पे अभी कुछ वेदर सही नहीं है, तो देखते हैं क्या होता है। जाएंगे तो ज़रूर, अब भीग के जाए कि सूखे हुए जाए। गुड मॉर्निंग बोले कि गुड नाइट बोले कि क्या बोले खुद को नहीं पता। अभी बज रहे रात के 12:30 एंड ट्रेन है लाइक 1:50 को, तो वेट क्यों करते हैं। चलिए मैंने रात वाला ट्रेन लिया था बिकॉज़ मेरी सुबह कनेक्टिंग जो ट्रेन थी, बट अगर आपको कोई जल्दी नहीं है आप आराम से स्टील एक्सप्रेस सुबह में जा सकते हैं। तो फिर क्या, रात को कुछ शूट करने को था नहीं, तो हमने पापा को बाय बोला और चल दिए। अगर आप रात को ट्रैवल करते हो एंड आपको नींद आती है तो भाई साहब बड़े लकी हो, क्योंकि मुझे तो नहीं आती। सुबह के 5:00 हावड़ा पहुँच गए थे, लेकिन अभी भी 7-8 की ट्रैवल बाकी थी। आंखों में नींद, और किसी महान व्यक्ति ने कहा था कि रास्ता जितना भी कठिन हो अगर आपके साथ चलने वाले सही है तो हर रास्ता छोटा लगता है। तो वेट किया मैंने काफ़ी देर तक। सो इसी बीच सात्विक एंड राजीव शियालदह स्टेशन में पहुंचे थे, जो हावड़ा से करीबन 20 से 1/2 की दूरी पे। एक सेकंड, मैंने आपको प्लान बताया नहीं ना। तो जल्दी जल्दी एक अपडेट हो जाए, प्लीज़ बताना मत उसको। तो हम लोग बेसिकली 4 हैं, मैं, श्रेया, सात्विक और राजीव। तो एक प्रैंक किया हम लोग ने कि श्रेया जानती ही नहीं है कि वो दोनों कल आने वाले, उसको लग रहा है कि वो लोग परसों आएंगे। सो शियालदह स्टेशन है, वहाँ पे जाके सब लोग हम लोग मिलेंगे, बट उसको कोई आइडिया नहीं है। तो देखते हैं, अगर प्लान और ये प्रैंक सक्सेसफुल हुआ सो बड़ी मज़ा आएगा, और आप तो देखेंगे विथ यू बीइंग द कैमरा। सो चलिए मज़े करते हैं, और हाँ बताइएगा मत। कैसा लगा आपको प्रैंक? सो आपको अगर ये प्रैंक पसंद आया
जितना शेयर को पसंद आया. सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो, बिकॉज जब आप लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तब यूट्यूब बाबा ये वीडियो को कुछ और लोगों तक पहुंचाता है. सो इट वुड मीन अ लॉट. सो बस इसके बाद हम लोग की कनेक्टिंग ट्रेन थी शियालदा से. सो हम लोग बस से शियालदा पहुँचे, फिर थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते जर्नी को, बिकॉज वहाँ से लोकल ट्रेन से हम लोग बशीहाट पहुँचे, फिर वहाँ से बोर्डघाट गए हम लोग टोटो में, फिर हम लोग आटूरिया पहुँचे एक ऑटो लेके, एंड फिर ऑटो से हम लोग गए रिबू के घर. जब रिबू लेने आया था फाइनली वहाँ पे गए हम लोग, हैंड रिक्शा बेसिकली बोलते उसको. सो उससे गए. सो काफ़ी ही इंटरेस्टिंग एंड एडवेंचरस जर्नी थी, बट हाँ मज़ा तो आया. सो हाँ ज़्यादा कुछ शूट किया नहीं उसके बाद, बिकॉज वी वर स्लीपी टायर्ड, एंड बस जल्दी से हम लोग फ्रेश हुए, नहाए धोए, आंटी ने हम लोग को लंच दिया, इट वॉज रियली टेस्टी, एंड उसके बाद बस फिर हम लोग सो गए. एंड नेक्स्ट जो मेरे को याद है कि हम लोग शाम को उठे थे, लाइक इट वॉज डार्क, एंड उसके बाद आंटी ने हम लोग को चाय दी, एंड फिर वी हैड लॉट्स ऑफ कैचिंग अप टू डू, इसलिए हम लोग ने पूरी शाम बातचीत एंड वही सब मैं बता दी. कैसा लग रहा है हम लोग चारों एक साथ? बहुत बहुत बुरा. ये इज्जत है हम लोग की. एग्जैक्टली. एंड फिर रात को हम लोग ने डिनर किया, बिकॉज हाँ वो टायर्डनेस थोड़ी सी थी. सो फिलहाल ये सब चल रहा है हम लोग का टाइम पास. गुड मॉर्निंग, दिस इज फ्रॉम द नेक्स्ट डे. ब्रेकफास्ट हो चुका है, थोड़ा देर बाद सब लोग फ्रेश होके जाएंगे रिबू के मामा के घर. एवर बोलो तुम्हारा नाम की? तो बस फिर अपनी सवारी निकली स्वरूप नगर, जहाँ पे रिबू के मामा का घर है. एंड रस्ते में लाइक आई वॉज फीलिंग कि हाँ आफ्टर एजेस लाइक एक प्रॉपर विलेज साइड में आया, एंड हाँ मज़ा आ रहा था, बिकॉज इतनी ग्रीनरी नॉर्मल सिटीज़ में लाइक हार्डली देखने को मिलता है, एंड हियर हम लोग सब लोग इंजॉय कर रहे हैं. आपका जो इतना प्रॉपर्टी है, ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? सोच रहा हूँ प्रतिम कुमार दास जो है एक मेरा फ्रेंड जमशेदपुर में, उसको मैं बेच दूंगा. बेच दूंगा, पैसा ही पैसा है. उसके बाद घर के अंदर जाकर हमने चिल किया, सब फोन में बिजी, एंड उसके बाद हम लोग ने लंच किया, एंड इट वॉज सो टेस्टी. और बंगाली का और लंच का कुछ ऐसा रिश्ता है कि जब तक आप लाइक गले तक नहीं खाते हैं, सो वी डोंट कंसिडर इट एज लंच. सो हाँ बड़ी मज़ा आया, एंड हाँ उसके बाद हम लोग निकल गए थोड़ा सा टहलने के लिए. शहर वालों इतनी ग्रीनरी कब देखे हो? आपको भी देख के अच्छा लगता है, बट सीरियसली मज़ा आ रहा है. गर्मी बहुत ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा है. ह्यूमिडिटी तो मत ही पूछो, अंदर का क्या हालत है मैं बोलना नहीं चाहता, बट सीरियसली अमेजिंग प्लेस. फिर वही शाम होते होते हम लोग फिर लौट आए, बिकॉज अगले दिन हम लोग को जाना था टू द दीखा. কেমন লাগলো আমরা যে এখানে আসলাম, এতদিন তোমাকে কষ্ট দিলাম? কেমন লাগলো? খুবই ভালো লাগলো. আবার কি আসা যায়? হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই. কেমন লাগলো তোমাকে? ভালো. আমার আশপা আরো দুই একদিন থাকলে আরো ভালো হয়েছে. আমাদের আবার একটু সময় নিয়ে আসবে. হ্যাঁ সময় নিয়ে এসো. हम लोग भी निकल चुके थे 1 बजे हमारी डेस्टिनेशन दीघा के लिए.
लिखा हुआ है, तुम्हें क्या लगा मौत आई तो मर जाऊंगा, नागपाड़े का राइडर हूँ, कट मार के निकल जाऊंगा। तो ये पिरोह राइडर्स लोग को काटते हुए हम लोग पहुंचे मेन सिटी में कोलकाता, और अब हम लोग क्रॉस करने वाले थे कोलाघाट, और कोलाघाट जिस चीज़ के लिए फेमस, दैट इज़ शेर पंजाब। बट क्योंकि हम लोग को किसी को भूख नहीं थी एंड कुछ ज़्यादा लंबी लाइन थी शेर पंजाब में, तो हम लोग ने सोचा कि कोई एक नॉर्मल से रेस्टोरेंट में जाके थोड़ा सा खा लेते ताकि हम लोग को बाद में रुकना ना पड़े। ये हम लोग का फर्स्ट ब्रेक है आफ्टर कोलाघाट, तो स्नैक्स वैस खाने के लिए, तो हम लोग ले रहे हैं लाइक एग रोल ले रहे हैं, ऑनियन पकौड़ा ले रहे हैं एंड कुछ कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं। सो देखो क्या खाना है, मिनरल वाटर। सो फर्स्ट ऑर्डर आ चुका है। तो खाना खाने के बाद सनसेट को चेस करते करते हम लोग पहुंचे दीघा। तो बस यार, सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, अब इतने ट्रैवल करेंगे तो बॉडी को थोड़ा सा रेस्ट तो देना पड़ेगा ना। सो अब दीघा एंटर करने के बाद हम लोग फ्रेश हुए एंड उसके बाद हम लोग निकल गए खाना खाने, बिकॉज हमें लगी थी बहुत ज़्यादा भूख। और जैसे एक छोटी सी रिकमेंडेशन है सबके लिए कि अगर आप बजट टाइट पे नहीं है, सो काइंडली डिफर अपना लंच एंड डिनर, ये जो ओपन टाइप रेस्टोरेंट या ओपन टाइप ढाबा वॉट एवर है, तो वहाँ से करने को, बिकॉज क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं मिलेगी आपको। एंड प्रेफर कीजिएगा कि कोई होटल या कोई जो आपके होटल में अगर बफे है तो वहीं से खा ले, एंड इफ़ नॉट बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, बट ये थोड़ा सा आपको हायर मार्क पे जाना पड़ेगा अपने बजट से। सो यस, दैट वाज फॉर द डे एंड मिलते हैं अगले दिन। सुबह के 4:30 बजे निकलेंगे मोहना के लिए, देखेंगे वहाँ पे सनराइज, साउंड्स ऑफ मैजिकल राइट। लेकिन भाई साहब, ये एक्सपेक्टेशन है, रियलिटी यही है कि 7:30-8 बजे हम लोग की नींद खुली, और उसके बाद जो नहीं निकलनी चाहिए थी वो निकली, कड़ी कड़ी धूप। देखो यार, धूप और NCV की रेड दोनों ही तुम्हारे हाथ में दी है। सो जो हम कर सकते थे हम लोगों ने वही किया, ब्रेकफास्ट किया और चल गए जहाँ पे हमें 4:30 बजे जाना था, दैट इज मोहना। तो फाइनली हम लोग आए हैं श्रेया, फाइनली हम लोग को 5 का प्लान हुआ है कहीं से, बस चार ही है भाई दबे, बट स्टिल कैसा लग रहा है पहाड़ के बाद बीच? बहुत गर्मी लग रहा है, फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है। सात्विक, इतने सालों बाद हम लोग कहीं पे गए, और प्लस तुम्हारा फेवरेट सीजन समर, लेकिन तब भी सबसे ज़्यादा परेशान तुम ही है, टू हॉट टू हैंडल, राइट। राजीव, फोटोशूट जैसे कुछ मिल रहा है इधर? जो मिला था खींच लिया, अभी देखते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन में क्या होता है। नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या है? सो हम लोग में आ गए हैं, वो जो आइलैंड है यहाँ पे पानी नहीं रहता है, बट अभी पीक टाइम है तो अभी पानी आ गया है। सो बेसिकली हम लोग बात करें कि कुछ बोट्स में 50 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं यहाँ से काइंड ऑफ वहाँ तक ले जाने का, एंड फिर वो रिटर्न कराएगा। तो जनाब, अगर आप दीघा है एंड आपने बोटिंग नहीं की तो खाक दीघा। तो जी, अगर आपको पिछले कुछ सेकंड पसंद आए
तो सब्सक्राइब कर लो यार, ताकि फ्यूचर में ऐसे बहुत सारे ढेर सारे लाखों सारे वीडियोस में बना पाऊँ एंड आप एंटरटेन होते रहे। उदयगिरी, सो दिस इज उदयपुर एंड व्यू देख लो यार गाइस। आई नो मोस्ट ऑफ द बीचेस सेम ही होता है बट कुछ अलग अलग लग रहा है। यहाँ पे शेड से बैठने के लिए एंड पे देम एंड बेसिकली यू कैन एंजॉय द पानी कमिंग टू योर फीट, यही है। अगर आपने कभी भी आधा घंटा या एक घंटा कोई भी बीच या स्विमिंग पूल में बिताया है तो आपको पता है ये एक्टिविटी करने के बाद हमको लगती है बहुत ज़्यादा भूख। इसी भूख को मिटाने के लिए हम लोग वापस आए, फ्रेश हुए एंड हम लोग निकल गए खाना खाने के लिए। और लंच भी कहाँ किया, वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू हैव योर लंच और डिनर इन दीघा, दैट इज कोशिकोशा। यहाँ पे वेज का प्राइस है 375 और नॉन वेज का 575। सो बोल क्या रहा है, मटन थली 587 ऐसा कर दिया ओनली बोलो देखकर ना, पानी तो है ही, पानी पीने के लिए नहीं। कोई भी रेस्टोरेंट की प्राइस उसके एरिया पे डिपेंड करती है एंड कोशा कोशा दैट इज़ इन न्यू दीघा वो है ही एक एक्सपेंसिव प्लेस पे, सो इसका प्राइसिंग थोड़ा सा ज़्यादा होना अनिवार्य है। लेकिन ऑन द अदर हैंड दैट बैलेंसेज विद द हॉस्पिटैलिटी एंड द क्वालिटी ऑफ फूड इज ओ माय गॉड। इफ़ यू आर बंगाली, अगर बंगाली भी नहीं है यू मस्ट कम हियर एंड ट्राई द फूड। इट विल बी अ लिटिल हैवी ऑन योर पॉकेट बट हाँ इट इज टोटली वर्थ ईच पेनी ऑफ इट। तो बस यार, अगर बॉडी थकी हो और पेट भरा हो तो आती है नींद। तो हम लोग ने ली आधे घंटे से एक घंटे की झपकी एंड फिर हम लोग निकल गए ओल्ड दीघा। सो हम लोग अभी ओल्ड दीघा में एंड कंपैरेटिवली न्यू दीघा इज वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड वेदर देख लो यार, यहाँ पे जो शॉप्स है वो रियली बार्गेन करना पड़ता है। तो बस थोड़ी सी शॉपिंग की हम लोग अपनी फैमिली के लिए एंड हम लोग निकल गए। दीघा है और सी स्ट्रीट फूड ना खाए हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो यस, इस बार मैंने नोटिस किया कि रेट्स मॉडरेट थी, अच्छी थी एंड टेस्ट तो नो डाउट अच्छी थी। तो चलिए डिनर कर लेते हैं बिकॉज हम लोग को जल्दी सो के कल 3:30 बजे सुबह निकलना पड़ेगा। मित्रास कैफे एंड लिटरली वाइब बहुत ज़्यादा अच्छी है एंड बंगाली फूड है, नॉन बंगाली फूड है, चाइनीज़ है एंड बहुत ही अच्छा एम्बियंस है। आप लोग फैमिली के साथ आ सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ आ सकते हैं एंड लिटरली जो आर्ट स्ट्रक्चर है इधर एक अलग ही वाइब दे देता है इसको, हिस्टोरिकल वाइब्स। सो अगर आप हिस्ट्री से बिलोंग करते हैं या हिस्ट्री पसंद है आपको, सो दिस इज़ द प्लेस फॉर यू। एंड या रेट्स, जो फूड के रेट्स है इतने भी ज़्यादा हाइप नहीं है। हम लोग सुने थे कि बहुत ज़्यादा महंगे बट इट्स अफोर्डेबल एंड यस यू कैन विजिट देयर एंड इफ यू आर डूइंग सो लेट मी नो आफ्टर विजिटिंग इन द कमेंट्स कैसा लगा आपको। बट स्टिल यू शुड बी सैड फॉर हिमसेल्फ बाय द वे। तो कोई ना, फाइनली दीघा इज ओवर एंड फिर अंटिल नेक्स्ट ट्रिप सर, बेस्ट फैन सर, बेस्ट फैन सर, बेस्ट फैन सर, बेस्ट फैन सर।